अच्छा बिफोर आई स्टार्ट दिस इज़ अ बुक फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू कैन रेफर ये बुक है ये रेफ़र कर सकते हैं दिस इज़ देखो वर्ल्ड में ना कंप्यूटर साइंस के लिए कैन यू नेम थ्री टू फोर इंस्टीट्यूशन जो वर्ल्ड टॉप टेन यूनिवर्सिटीज़ है कंप्यूटर साइंस की फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न कंप्यूटर साइंस कौन कौन सी हैं सो द नंबर वन इज़ योर एम वर्ल्ड में नंबर वन में है एम राइट right? फिर नंबर टू पर आपके पास आती है कौन सी

अ फैकल्टी फ्रॉम सी एम यू फैकल्टी फ्रॉम कार्निक मेलन यूनिवर्सिटी अब ये जो बुक है दिस इज़ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम प्रोग्रामर्स परस्पेक्टिव और बेसिकली क्या है कि एक प्रोग्रामर के लिए जितना प्रोग्रामर को पता होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम के बारे में दिस इज़ वट देव एक्सप्लेन इन दिस एंटायर बुक तो कहने का मतलब है जो पूरे कंप्यूटर की जो हमारी वर्किंग है द वर्किंग ऑफ एंटायर कंप्यूटर सिस्टम दर इज़ गिवन हीयर और सब कुछ सारे जो कॉम्पोनेंट हैं सभी हार्डवेयर कॉम्पोनेंट जो है एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं फॉर अ प्रोग्रामर्स पॉइंट ऑफ व्यू जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूशन जिसके अंदर सभी चीज़ें आती है इवन योर बिट लेव ऑपरेशन शिफ्ट ऑपरेशन इन सी लैंग्वेज बुलियन ऑपरेशन बुलियन बुलेब्रा बिट लेवल ऑपरेशन इन सी लैंग्वेज फिर आपके इंटीजर रिप्रजेंटेश अर्थमेटिक फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेश फिर आपके जो मशीन लेवल रिप्रेजेंटेशन जो आपके पास है सो आई डोंट थिंक सो इट इज विजिबल सो लेट मेक इट विज़िबल फिर आपके जो मशीन लेवल रिप्रजेंटेश हैं यू हैव कंट्रोल जंपिंग इंस्ट्रक्शंस ठीक है यह प्रोसीजर्स इवन जो आपके अरे अलोकेशन और एक्सेस हैं जो, जो सभी है, a, uh, language, as well as ये सभी चीजें हैं हाउ दीज थिंग्स वर्क इन अ सी लैंग्वेज एज वेल एज हाउ दीज थिंग्स आर मैप टू अ बाइनरी कोड ये सभी चीज़ें बाइनरी इवन सॉरी बाइनरी कोड नहीं हाउ दीज थिंग्स आर गेटिंग मैप टू एन असेंबली कोड ये सभी चीज़ें असेंबली कोड में कैसे मैप होती है एवरी थिंग इज गिवन हियर इवन द प्रिंसिपल ऑफ पॉइंटर्स एंड अरेज तो हाउ दिस प्रिंसिपल ऑफ पॉइंटर्स एंड अरे इज रिप्रजेंटेड इन अंप्यूटर आर्किटेक्चर फॉर्मेट एज वेल एज हाउ इज रिप्रेजेंट इ सी लैंग्वेज तो आईल शो यू मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या है ओके एंड देन यू हैव एवरी थिंग इज गिव इन दिस बुक एक ही बुक के अंदर सब कुछ है दिस इज वन थाउजेंड पेज बुक तो हियर एंटायर प्रोसेसर आर्किटेक्चर इज गिवन कि जो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर क्या कैसे है स्टेजेज ऑफ प्रोसेसर इवन पाइप लाइनिंग हजार्स एवरी थिंग इज गिवन फिर आपके पास प्रोग्राम ऑप्टिमाइजेशन एंड परफॉर्मेंस के बारे में दिया गया है राइट एंड दैन आफ्टर दिस यू हैव ऑल द कॉन्प्ट मेमोरी हिरारकी की जो मेमोरी हिरारकी है कैसे काम करती है दैन यू है रनिंग प्रोग्राम अर सिस्टम लिकिंग कैसे काम करता है लोडिंग कैसे काम करता है एवरी थिंग इज़ गिवन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स विद द हेल्प ऑफ एक्चुअल प्रोग्राम्स फिर आपके पास यहाँ पर जैसे कंट्रोल फ्लो है हाउ दिस थिंग वर्क आपकी वर्चुअल मेमरी कैसे काम करती है फॉर अ प्रोग्रामर आपकी डायनेमिक मेमरी लोकेशन डी एम ए कैसे काम करता है देन गारबेज कलेक्शन एंड इवन सिस्टम लेवल इनपुट आउटपुट नेटवर्क प्रोग्रामिंग तो सभी चीज़ें कैसे काम करती है दिस इज कॉन्फ्रेंट प्रोग्रामिंग सो अगर इन फ्यूचर यू वॉन्ट टू टीच सम सिस्टम लेवल कोर्स जो बेसिकली एक इंटायर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैन डेफिनेटली यू शुड फाइंड इट यूजफुल दिसल शो यू वन ऑफ द पेज ऑफ दिस बुक सो हियर इन दिस पेज दे आर डिस्कसिंग अबाउट अरे अलोकेशन एंड एक्सेस तो जो आपका अरे अलोकेशन है सी लैंग्वेज के अंदर यू हैवन अरे तो दिस इज़ हाउ यू डिक्लेयर एन अरेज सी लैंग्वेज इस तरीके से आप सी लैंग्वेज के अंदर अरे को डिक्लेयर करते हैं देन द साइज ऑफ दीज अरेज नॉट जस्ट द साइज दे हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट कि अर्थमैटिक्स जो है इसका असेंबली कोड क्या होगा सो इन एन अरेज जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव इंटीजियर स्टार तो इंटीजियर स्टार अगर हम लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर दैट इज वी आर डिक्लेयरिंग दैट इट इज़ अ पॉइंटर दैन दिस विल भी कन्वर्टेड टू एन असेंबली कोड लाइक दिस उसी तरीके से यू नो ऑल ऑफ़ दिस एक्सप्रेशन जो भी एक्सप्रेशन आपके पास है हाउ दिज एक्सप्रेशन आर कन्वर्टेड टू असेंबली लैंग्वेज कोड एज ए इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है जैसे अगर इफ़ यू हैव एनी इंस्ट्रक्शन लाइक दिस जैसे एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास सो so, और इफ लेटर सपोज यू हैव समस्ट्रक्शन तो वो जो इंस्ट्रक्शन है सी लैंग्वेज की हाउ दिस सिंगल इंस्ट्रक्शन विल भी कन्वर्टेड टू असेंबली लैंग्वेज कोड तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर गिवन है नॉट जस्ट द असेंबली लैंग्वेज कोड कोड दे हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द मशीन लैंग्वेज कोड तो मशीन लैंग्वेज कोड के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है वेरिएबल साइज़ अरेज़ एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स आई मीन द एंटायर मैपिंग ऑफ अ एक्चुअल प्रोग्राम उस एक्चुअल प्रोग्राम को कैसे मैप किया गया है फिजिकल इंप्लीमेंटेशन से यानी कि असेंबली लैंग्वेज कोड में वो सभी चीज़ें इस बुक के अंदर गिवन है एंड यू कैन रेफर दिस बुक इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक आप इसको रेफ़र कर सकते हैं ओके एंड हाउ द इंटायर कंप्यूटर सिस्टम वर्क जो पूरे सिस्टम की जो वर्किंग है सब कुछ यहाँ पर डिस्कस किया गया है इस बुक कैद इज अ वेरी बुक गुड बुक तो आप इस पूरी बुक को स्टडी कर सकते हैं वंस यू कम्प्लीट यूर एंटायर सिलेबस ठीक है तब आप पूरी बुक को यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हैं फ़ाइन चलो एनी वेज एज ऑफ नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक अपने टॉपिक को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं फाइन तो हम लोग अभी वी हैव टू स्ट दिस कंप्यूटर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू अभी हमारा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बचा था देट वॉज द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिजिटल लॉजिक तो डिजिटल लॉजिक का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बचा था फ्राम दैट विल मूव वॉन्ट टू द कंप्यूटर आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू वेरी सोन अब थोड़ा सा पोर्शन ही है जो हमें डिजिटल लॉजिक का स्टडी करना है ओके ठीक है सो आई टोल्ड यू हम लोग अभी आगे कंटिन्यू करते हैं कंटिन्यू अवर टॉपिक तो मैंने लास्ट सेशन में आई टोल्ड यू कि हमारे पास सिक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं एंड इन सिक्वेंशियल सर्किट वी यू समथिंग कॉल इज अमरी एलिमेंट और वन ऑफ द मेमोरी एलिमेंट हियर इज़ कॉल्ड एज ए लैच हम मेमोरी एलिमेंट को क्या बोलते हैं लैच तो लैच का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू लॉक वन बिट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि एक मेमरी सेल है जिसके अंदर हम वन बिट की इंफॉर्मेशन को लॉक करेंगे सो यू कैन क्रिएट दिस वन बिट ऑफ लैच बाई यूजिंग अ नॉट गेट यू कैन क्रिएट क्रिएटेड बाई यूजिंग अ नैंड गेट और यू कैन ऑल्सो क्रिएटेड बाई यूजिंग अ नॉर गेट जैसे यहाँ पर अगर आपके पास कुछ इन्फॉमेशन लेटर सपोज दिस क्यू इज़ करंट वैल्यू ऑफ क्यू इज़ वन अगर क्यू की करंट वैल्यू वन है यानी कि हमें इस करंट वैल्यू को यहाँ पर लॉक करना है सो यू कैन सी दिस वन विल ट्रैवल फ्रॉम हियर टू हियर देन बिकॉज दिस इज़ अ अट गेट और नैट गेट के दोनों इनपुट सेम इट विल वर्क एज ए नॉट गेट तो इसका आउटपुट जीरो होगा एंड दिस जीरो विल ट्रैवल फ्रॉम हियर टू हियर एंड देन दिस आउटपुट विल बी वन तो बेसिकली यहाँ पर आप वन बिट की इनफॉर्मेशन को एक तरीके से सर्किट के अंदर लॉक कर देंगे एंड वी आर बिकॉज वी आर लॉकिंग वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज ए लैच फिर हमने बताया था कि हमारे पास एक एस आर लैच है जैसे आपके पास अलग अलग फ्लॉप थे आपके पास यू हैव एन एस आर फ्लॉप यू हैव अ जे के फ्लॉप यू हैव अ डी फ्लॉप एंड यू हैव अ टी फ्लॉप तो उन सभी फ्लॉप का मतलब क्या है कि हम लोग एक लॉक यानि कि लैच को यहाँ पर यूज़ करेंगे एंड विद दिस लैच आई एम गोइंग टू यूज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट इस लैच के साथ हम एक कॉम्बिनेशन सर्किट को यूज़ करेंगे एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन सर्किट इसका एक सिंपल सा यूज़ है कि इस लैच की वैल्यू को कंट्रोल करना कि इस लॉक की वैल्यू को हम जीरो से वन में कैसे चेंज कर सकते हैं और वन से ज़ीरो में कैसे चेंज कर सकते हैं ओके okay? अब जनरली क्या होता है कि ये जितने भी आपके पास लैच हैं जैसे आपके पास एस आर फ्लॉप है तो हम एस आर फ्लॉप को ब्लॉक डायग्राम से कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज़ एस दिस इज़ आर तो ये आपके इनपुट है आउटपुट है क्यू एंड दिस आउटपुट इज क्यू कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस आर फ्लॉप ओके उसी तरीके से यू कैन रिप्रेजेंट ऑल ऑफ दिस फ्लिप फ्लिपलॉप डी फ्लिपलॉप टी फ्लॉप सभी फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओके आई होप दैट ऑल सभी को ये पता होगा ऑल ऑफ यू नो दिस ठीक है आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डेप्थ बिकॉज मेरा एम नहीं है यहाँ पर डेप्थ में जाने का मेरा एम है एक आपको लिंक प्रोवाइड करना कि हम कंप्यूटर इन सभी कॉम्पोनेट को कंप्यूटर सिस्टम में कैसे यूज़ करते हैं ओके okay? अब इस एक एहसा फिप्लॉप के अंदर हम दो चीज़ें और यूज़ कर सकते हैं वन ऑफ़ दोज थिंग्स इज़ एन एनेबल लाइन एनेबल का मतलब है कि अगर हम यहाँ पर वन पास करेंगे देन ओनली दिस फिलप्लॉप विल स्टार्ट वर्किंग अगर हम यहाँ पर जीरो पास करेंगे देन फिल फ्लॉप विल नॉट स्टार्ट वर्किंग ओके एंड सेकेंड वन इज़ द क्लॉक यानी कि जितने भी कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे पास उन सभी को एक साथ सिंकनाइज करने के लिए हम लोग क्लॉक का यूज़ करते हैं ठीक है सो वी कैन हैवे पॉजिटिव एस्टीगट फ्लिपलॉप वी कैन हैव नेगेगेटिव एस्टीगट फ्लिपलॉप तो इस तरीके से हम लोग फ्लिपलॉप का भी यूज़ करते हैं फाइन एंड राइट नाउ हीयर इट इज रिप्रजेंटिंग अ मास्टर स्लेव फ्लिपलॉप बेसिकली क्या है मास्टर स्लेव का मतलब कि हमारे पास एक फ्लपलॉप होगा दैट विल एक्ट एज अ मास्टर इसका जो भी आउटपुट है दैट विल भी गिवन एज अ इनपुट टू द अनदर फ्लिपलॉप एंड द सेकेंड फ्लिपलॉप विल एक्ट एज ए स्लेव यानी कि जो स्लेविपलॉप है उसका जो आउटपुट है दैट विल भी डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट ऑफ द मास्टर ठीक है तो हमारे पास अगर दो फ्लिपलॉप को एक साथ कनेक्ट करेंगे दैट विल बिकम मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप और यहाँ पर ये दोनों फ्लिप फ्लॉप है दीज आर यू नो गवर्नड बाय द सेम क्लॉक पल्स ये दोनों फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक ही क्लॉक पल्स से गवर्नड है एंड दिस इज वाई वी कॉल देम एज एस सिंक्रोनस सर्किट हम इनको सिंक्रोनस सर्किट भी बोलते हैं सो वी हैव टू काइंड ऑफ सिक्वेंशल सर्किट वन इज सिंक्रोनस एंड सेकंड वन इज असिंक्रोनस आई थिंक यू ऑल ऑफ यू रिमेंबर इट तो मैं इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं करा रहा हूँ सिंक्रोनस सर्किट मीन्स कि यहाँ पर दोनों को एक ही क्लॉक से हम गवर्न करेंगे द क्लॉक विल बी सेम ठीक है सो दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग अ बफर रजिस्टर अब देखो रजिस्टर का मतलब क्या है फ्रॉम हियर अब आपके पास कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट होता है बिकॉज फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स यू शुड फोकस अब तक जो भी था दैट वॉज जस्ट अ बेसिक बैकग्राउंड बिकॉज इस पॉइंट तक आने के लिए मुझे वो सभी बेसिक बैकग्राउंड की ज़रूरत थी ठीक है तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपके पास वो एक रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है रजिस्टर का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर कुछ फ्लिपफ्लॉप्स को एक साथ कनेक्ट करेंगे सो दैट वी कैन यू नो स्टोर सम कॉन्टिनस बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन रजिस्टर्स सिंपली मीन्स इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सम फ्लिप फलॉप्स सो दैट वी कैन स्टोर सम इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पर वी आर स्टोरिंग यूजिंग फोर डी फ्लिपलॉप यहाँ पर चार डी फ्लिप लॉप का यूज़ कर रहे हैं सो बेसिकली इफ यी आर यूजिंग फोर डी फ्लिपलॉप्स दैन वी केन स्टोर फोर बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन ये फोर बिट सेल की तरह काम करेगा और कैन से फोर बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर स्टोर करेंगे सो वट ड्यू मीन बाय रजिस्टर रजिस्टर इज़ अ कनेक्शन ऑफ फ्लिपलॉप्स वेयर वी कैन स्टोर सम इन्फॉर्मेशन एंड फॉर एग्जाम्पल हेयर वी आर हैविंग फोर रजिस्टर्स दैट मीन्स वी कैन स्टोर फोर बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर चार बिट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इस रजिस्टर के अंदर सो देर आर फोर वेज इन विच वी कैन गिव द इन्फॉर्मेशन चार तरीके से हम इस इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं सो फर्स्ट इज़ योर पैलर शिफ्ट इन आई मीन टू से देखो लेट मी लेट मी एक्सप्लेन इट तो बेसिकली रजिस्टर जब आप कनेक्ट करेंगे जैसे दिस इज द फर्स्ट रजिस्टर सेकेंड रजिस्टर थर्ड रजिस्टर एंड फोर्थ रजिस्टर इन सभी रजिस्टर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन को डालने के चार तरीके हैं सबसे पहला सीरियल इन सीरियल आउट सेकेंड सीरियल इन पैरल आउट थर्ड पैरल इन सीरियल आउट एंड द फोर्थ वन इज़ पैरल इन एंड पैरल आउट कहने का मतलब है जो सबसे पहला तरीका आपके पास सीरियल इन सीरियल आउट यानी कि सभी की जो इन्फॉमेसन है वो सीरियली कनेक्ट होगी जैसे अगर सबसे पहले इन्फॉमेसन हमने यहाँ पर वन ट्रांसफ़र करी तो आफ्टर वन क्लॉक पल्स ये जो वन है वो यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर एक नई डिजिट आ जाएगी फिर से एक और क्लॉक पल्स के बाद ये जो वन है वो यहाँ पर चला जाएगा यहाँ पर ये डिजिट आएगी जीरो यहाँ पर एक नई डिजिट आ जाएगी राइट अगेन वन आफ्टर वन क्लॉक पल्स ये जो सभी बिट्स हैं वो एक पोजिशन आगे ट्रेवल करती जाएंगे दीज बिट्स विल ट्रैवल वन पोजिशन अहेड तो यानी कि सभी लेफ्ट साइड से एंटर करेंगी और अगेन राइट साइड से यहाँ पर निकल जाएंगी दिस इज बेसिकली सीरियल इन एंड सीरियल आउट अब बिट्स को सीरियली एड कर रहे हैं और सीरियली ही बाहर निकाल रहे हैं ओके सेकेंड वन इज सीरियल इज एंड पैडल आउट तो उसका मतलब है कि जो भी हमारा आउटपुट होगा वी आर गोइंग टू टैप दीज वायर्स हम यहाँ पर इन वायर्स को टैप करेंगे और फ्रॉम हियर आई कैन गेट दिस बिट्स एज आउटपुट तो यानी कि जो भी डेटा इनपुट होगा वो सीरियली इनपुट होगा लेकिन इन रजिस्टर से जो भी डेटा आएगा वो पैरेलली आउटपुट होगा ओके थर्ड वन इज़ पैरेलल इन एंड सीरियल आउट यानी कि हम डेटा को पैरेलली अंदर डालेंगे और जो डेटा बाहर निकलेगा दैट विल बी सीरियली ओके एंड द फोर्थ वन इज़ पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट यानी कि डेटा को हम पैरेलली ही अंदर डालेंगे और डेटा जो है पैरेलली ही बाहर जाएगा तो आपके पास चार तरीके हैं इन विच यू कैन इंसर्ट इन्फॉर्मेशन इन दीज रजिस्टर्स तो यहाँ पर ये सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग दिस वन तो पहला आपके पास शिफ्ट रजिस्टर अब देखो यहाँ पर जो डेटा है वो किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है सो हियर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव सीरियल शिफ्ट राइट मतलब डेटा को हम लोग राइट शिफ्ट करेंगे जनरली क्या होता है कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर भी वी कैन यू नो शिफ्ट द डेटा जैसे लेट मी लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्ज़ाम्पल तो लेट अस अज्यूम वी हैव दिस प्रोग्राम वी हैव मेन फंक्शन एंड इन दिस मेन फंक्शन वी आर टेकिंग इंटीजर ए इज इक्वल टू फाइव एंड डूइंग ए इक्वल इक्वल इज इक्वल टू टू तो इसका मतलब क्या है हैट इट रियली मीन्स वट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इसका मतलब है कि जो भी डेटा स्टोर्ड है उस इंटीजर वेरिएबल के अंदर हम उसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाय टू बिट्स यानी कि जो इंटीजर ए वेरिएबल है दिस इंटीजर ए वेरिएबल विल बी स्टोर्ड समथिंग लाइक दिस जीरो 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 ज़ीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो जीरो ज़ीरो जीरो वन ज़ीरो वन दिस इज हाउ दिस वेरिएबल ए विल बी स्टोर्ड एंड वेन यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट मीन्स ए इज़ इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट बाई टू बिट्स यानी कि इन सभी बिट्स को हम दो बिट्स लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो यानी कि जो लास्ट के दो बिट्स हैं ये लॉस लूज हो जाएंगी एंड ऑल ऑफ दिस बिट्स विल मूव ऑन द लेफ्ट साइड ये सभी जो बिट्स हैं वो यहाँ पर लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे एंड ही टू मोर बिट्स विल बी एडेड तो अब इसकी जो वैल्यू है दिस वैल्यू विल बिकम ट्वेंटी ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर ट्वेंटी बन जाएगी बट हाउ कैन यू परफॉर्म दिस लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आप एक प्रोग्राम के अंदर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे आप लेफ्ट शिफ्ट कैसे कर सकते हैं टू परफॉर्म दिस लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जो भी इन in इंटीजियर की वैल्यूज़ है वट अवर द वैल्यू ऑफ दिस इंटीजियर्स आर वी आर गोइंग टू स्टोर दिज इंटीजियर वैल्यूज इन अ रजिस्टर इन सभी इंटीजियर वैल्यूज को हम एक रजिस्टर में स्टोर करेंगे एंड ऑन डैट रजिस्टर वी कैन डू अ लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन ठीक है तो रजिस्टर के अंदर हम लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं ओके okay, जैसे पहला आपका आउटपुट है दिस इज़ योर सीरियल इन एंड सीरियल आउट यानी कि डेटा को आप सीरियली इंसर्ट करेंगे और डेटा जो है वो सीरियली ही आउटपुट जाएगा सेकंड वन इज़ सीरियल इन एन पैरल आउट यानी कि डेटा को आप सीरियली इंसर्ट करेंगे लेकिन जो डेटा है वो यहाँ से पैरल लाइन्स के साथ बाहर जाएगा ओके okay? सो so ये चीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वी हैव ऑलरेडी कवर दिस थर्ड वन इज़ योर पैरल इन एंड सीरियल आउट पैरेलल इन और सीरियल आउटअ का मतलब क्या है कि हम लोग डेटा को पैरेलली इंसर्ट करेंगे तो डेटा जो है यहाँ पर पैरेलली इंसर्ट हो रहा है बट जो आउटपुट है वो यहाँ से सीरियली मिलेगा हमें सो दिस इज़ पैरेलल इन एंड सीरियल आउट द फोर्थ वन इज़ पैरेलल इन एंड पैरेलल आउट यानी कि हम डेटा के बिट्स को पैरेलली इंसर्ट कर सकते हैं ए जीरो ए वन ए टू वन ए थ्री एंड वी कैन टेक इट आउट क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू एंड क्यू थ्री तो हम पैरेलल इंसर्ट कर सकते हैं और पैरेलली ही हम उसको आउटपुट ले सकते हैं <coughs> उसी तरीके से वी कैन क्रिएट अ बाई डायरेक्शन शिफ्ट रजिस्टर एज वेल एज वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर विच इज़ कैपेबल ऑफ ऑल ऑफ दीज ऑपरेशन ये जो शिफ्ट रजिस्टर है ये सभी ऑपरेशन का कैपेबल है इट कैन परफॉर्म सीरियल इन सीरियल आउट पैरल इन पैरल आउट सीरियल इन पैरल आउट पैरल इन सीरियल आउट तो ये सभी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है एंड टू जस्टिफाई कि कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म करना है यू हैव टू यूज़ द कॉन्सेप्ट हियर ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स ठीक है बट एनी वेज दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ये सभी आपके लिए इस समय पर इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक है उसके बाद वी हैव सीन समथिंग कॉल्ड एज ए काउंटर जो कि काउंटिंग को कर सकता है सो दैट मीन्स काउंटिंग सिग्नल्स जैसे यहाँ पर वी आर यूजिंग जे के फ्लॉप जे के फ्लॉप जे के फ्लिप्लॉप जेके फ्लिपलॉप हम तीन फ्लिप फ्लॉप को यूज़ कर रहे हैं सो बेसिकली ऑल योर काउंटर्स जितने भी काउंटर्स हैं काउंटर्स आर ऑल्सो रजिस्टर्स जितने भी काउंटर्स हैं आपके वो रजिस्टर्स भी होते हैं अगेन आई एम राइटिंग काउंटर्स आर ऑल्सो रजिस्टर्स ठीक है तो यहाँ पर आपके पास दिस है थ्री बिट बाइनरी काउंटर तो जो थ्री बिट बाइनरी काउंटर है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड हियर इट इज़ काउंटिंग तो हम इसको काउंटर्स क्यों बोलते हैं बिकॉज दे काउंट ठीक है सो आई मीन दे कैन काउंट फ्रॉम जीरो जीरो टू वन वन टू 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 थ्री थ्री टू फोर लाइक फोर टू फाइव फाइव टू सिक्स एंड फ्रॉम सिक्स टू सेवन एंड फ्रॉम सेवन टू जीरो लाइक दिस सो दिस काउंटर्स कैन काउंट और इस काउंटर्स का हम यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर टू क्रिएट टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स यहाँ पर टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल्स के लिए वी यूज़ दिस काउंटर्स ठीक है सो लेट मी कवर इट लेट अस गो थ्रू दिस स्टेप बाय स्टेप तो आपको समझ में आएगा कि काउंटर्स का यूज़ क्या है अब यहाँ पर एक डायग्राम है दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग अ काउंटर हियर एंड द आई सी नंबर इज सेवन फोर नाइन जीरो सो अगेन दिस इज प्रजेंटिंग अ मॉड फाइव काउंटर यानी कि फाइव तक काउंट कर सकता है सो हेयर द आई सी नंबर इज सेवन फोर नाइन ज़ीरो ठीक है चलो तो अब हमारा डिजिटल लॉजिक का पार्ट फिनिश हो गया लेटस कंटिन्यू फॉरवर्ड और अब हम लोग अपने टॉपिक को शुरू करते हैं